नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रक ज्ञान पर। और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जो फ्रंट शीशे उसमें बहुत ही ज़्यादा कंप्लेंट रहती है। तो सबसे बड़ी जो कंप्लेंट रहती है वो एक तो रहती है प्लास्टिक की, रबड़ की। जो रबड़ है वो हम इस्तेमाल करते हैं EPDM रबड़। आप जहाँ नज़दीक में आकर दिखाइए आपको, तो यहाँ से जो रबड़ है कटती है, ये देख सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पर देख सकते हो आप, मैं जोर से लगा रहा हूँ और रबड़ की पूरी फेंक रहेगी। रबड़ का सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट रोल है कि रबड़ शीशे को होल्ड करती है और रबड़ बिल्कुल नहीं कटनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूरा दबाव डाल रहा हूँ और रबड़ कटनी नहीं चाहिए। यहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है शीशे की। और दूसरी बात, अगर शीशा डालने हैं तो अतुल का यहाँ पर शीशा डालना चाहिए हमेशा ही, लेमिनेटेड फ्लोट ग्लास। मैं आपको यहाँ पर मार्किंग दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख दो, लेमिनेटेड फ्लोट ग्लास शीशा हम डाल रहे हैं। तो 16 चक्का गाड़ी में हम शीशा डाल रहे हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम 48-25 में गाड़ी में शीशे डाल रहे हैं, तो शीशे की आपको फुल वीडियो हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर देख दो, पहले हमने EPDM रबड़ ली, उसको हमने पहले जो ग्लास को हमने काटा उसकी वीडियो भी हमने अपने YouTube चैनल पर डाली हुई है और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक देख सकते हैं। और यहाँ से हम शीशे की रबड़ है जो वो डाल रहे हैं। और इसकी जो EPDM रबड़ है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ लाइफ टाइम की, 10 साल तक ये रबड़ कटती नहीं है शीशे से, ये गारंटी मेरी रहती है। और आम जो नॉर्मल रबड़ होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा, ये मान के चलिए 5 गुना महंगी है रबड़। जो आम रबड़ आती है शीशे में जो डालते हैं लोग, वो 500-600 रुपए की रबड़ आ जाती है, पर ये जो रबड़ है वो 2800 से 3000 के अंदर आती है लंबाई के हिसाब से। तो इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा रहती है और कस्टमर को कभी दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। और ये 48-25 है, इसमें जो वाइपर मशीन है वो ऊपर फिट की हुई है, नीचे स्पेस नहीं है, पर ऊपर भी हमने इसी हिसाब से फिट की है। वो भी हम आपको दिखाएंगे जब इस गाड़ी की हम फुल वीडियो बनाएंगे। इस रबड़ में वेट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हल्की रबड़ है और वेट बिल्कुल नहीं है इस रबड़ में। और 98% रबड़ का ही इस्तेमाल हुआ है, बाकी कोई मटेरियल नहीं है रबड़ में। यहाँ पर देखो, हम अभी कनेक्टर साइड का शीशा है उसको हम फिट करने जा रहे हैं। Thank you.
शीशा बिल्कुल फिट हो चुका है गाड़ी में, देख सकते हैं आप। और साथ में हमने उसके बाद ये जो बाद में डाला है, ये नाला है और ये शीशे को होल्ड कर कर रखता है और बाहर नहीं निकलने देता। और पूरी फिटिंग के साथ ये मिल रहा है, किनारे वगैरह देख सकते हैं आप, पूरी फिटिंग पर है, बिल्कुल लूज़ नहीं है शीशा कहीं से भी, पूरा फिटिंग पर है। इसी प्रकार से हम अभी ड्राइवर साइड का शीशा भी डाल रहे हैं। अभी हम नाला डाल रहे हैं इस गाड़ी की गाड़ी में, जो रबड़ को होल्ड करके रखेगा। ये जो ड्राइवर साइड है उसका भी हमने पूरा फिटिंग कर दी है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरी फिटिंग के साथ यहाँ सारी रबड़ का यहाँ पर इस्तेमाल हो चुका है। और तो चलिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।